Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. मारुति नक्सल द्वारका सेक्टर 9 में हर खबर के चेयरमैन केपी तोमर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हरगोविंद अरोड़ा के द्वारा मारुति की एक्सएल 6 की लॉन्चिंग की गई। सोच रहे दोनों तरफ का कवर हो जाए। इस मौके पर मीडिया ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हरगोविंद अरोड़ा एवं हर खबर के चेयरमैन केपी तोमर से बात की। हरगोविंद अरोड़ा जी, जैसे हम देखे आज यहाँ सेक्टर 9 का जो मारुति का शोरूम नेक्स्ट्रा का है, उसमें आप लोग आए और गाड़ी की यहाँ पे एक ओपनिंग की, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे त्रिपाठी जी का और नेक्सा का, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमें इस योग्य समझा कि हमारे द्वारा गाड़ी को लॉन्च करवाया गया। हम इनके आभारी हैं। अच्छा सर, जैसे अभी मैं देख रहा था आप गाड़ी में अंदर भी बैठे थे, तो कैसा लुक लग रहा है अंदर बैठ के? जैसे पता चल रहा है कि एयरप्लेन में जो सीटें होती है उसकी तरह इसमें शायद सीट लगी हुई है। आपने एक अच्छा प्रश्न किया, एरोप्लेन। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएँ तो मारुति के जनक स्वर्गीय संजय गांधी जी को याद किया जाएगा, तो मारुति का लोगो जो था वो स्वयं अपने आप में पंख ही थे, और भारत के मध्यम वर्ग को पंख लगाने में मारुति का ही योगदान था। जो लोग कभी कार के विषय में सपना भी नहीं देखते थे, उन सपनों को हकीकत मारुति उद्योग लिमिटेड ने किया। आज भारत का हर नागरिक उसकी पहुंच में कार है और वो अपने सपनों को सच कर सकता है। ये वो मारुति के पंख ही हैं जो आज लोगों के अरमानों को कहाँ से कहाँ ले गए। अच्छा सर, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे ओपनिंग कर रहा है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये मारुति सुजुकी ने एक बहुत बेहतरीन गाड़ी बनाई है और हाइब्रिड है। प्रदूषण जो दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या, उससे निजात मिलेगी और ये सेल्स के नए मापदंड कायम करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और मेरे मित्र और सांसद हमारे, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं भी शिव सैनिक हूँ, तो अरविंद जी सावंत भारी उद्योग मंत्री हैं, मैं इस विषय में उनसे भी चर्चा करूँगा कि और ज़्यादा ऐसे कुछ राहत दी जा सके ऐसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को, केवल मारुति को ही नहीं हर एक कंपनी को, के जिससे कि प्रदूषण पे भी नियंत्रण लगे और लोग उसको खरीदने की ओर उत्सुक हों। आप हर खबर के चेयरमैन भी हैं और आज हम जो मारुति सेक्टर 9 का नेक्स्ट्रा का शोरूम है उसमें आए और गाड़ी की ओपनिंग की, तो क्या कहना चाहेंगे और कैसी ये गाड़ी आपको लगी, जो सीट की जो गाड़ी नई लॉन्च की? गाड़ी तो देखने में तो लुक वाइज और कलर उसका बहुत ही बेस्ट लग रहा, और आम बजट जो आम लोग जनता है ना उसके बजट की गाड़ी लग रही, 9 से 12 लाख के बीच की गाड़ी है। इस रेट में कोई भी कंपनी गाड़ी नहीं देगी जिस रेट की गाड़ी है 6 सीटर। मेरे हिसाब से तो मारुति की नेक्सा शोरूम में बेस्ट गाड़ी निकाली है। तो जैसे नेक्स्ट्रा का ये यहाँ पे सेक्टर 9 में शोरूम है, उनके मैनेजर है, उनके द्वारा आप लोगों को यहाँ पे ओपनिंग पे बुलाया गया, तो शोरूम का जो स्टाफ है और जो मैनेजर है उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैनेजर को, त्रिपाठी जी को हम शुभकामनाएँ देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी उनकी बिके यहाँ से, और सेक्टर 9 नेक्सा के शोरूम का ऑल ओवर दिल्ली में नाम हो। सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़े, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ बुलाया ओपनिंग के लिए, धन्यवाद। एक्सएल 6 गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत 9 लाख से 12 लाख के बीच है और कंपनियों की मार्केट गाड़ी की कीमत 20 से 22 लाख है। उसी को टक्कर देने के लिए मारुति ने एक्सएल 6 गाड़ी 10 से 12 लाख में लॉन्च कर दी, जो कि बाकी कंपनियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। द्वारका सेक्टर 9 नेक्सा शोरूम के मैनेजर त्रिपाठी व अन्य लोगों से बात की। त्रिपाठी जी, जैसे हम देख रहे हैं सेक्टर 9 का जो मारुति का शोरूम है, आज एक नई गाड़ी लॉन्च की गई और उसका उद्घाटन जैसे खबर के चेयरमैन केपी तोमर और पूर्व
हम कहेंगे हरगोविंद अरोड़ा जी जो सांसद पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और उनके द्वारा आज यहाँ पे ओपनिंग की गई। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो एक गाड़ी निकाली, कौन सी गाड़ी है और क्या इसमें थोड़ी फैसिलिटी है, कितनी सीट की है? बेसिकली इस सेगमेंट में इस गाड़ी की ज़रूरत थी बहुत, तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कस्टमर्स भी। तो मारुति ने एक नेक्सा ने एक एक्सल सिक्स नाम की कार निकाली है जो कि बहुत स्पेशियस है, सिक्स सीटर कार है, होपफुली पसंद आएगी लोगों को बहुत, बस यही बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये पहली सिक्स सीटर गाड़ी है और शायद किसी कंपनी की अभी तक नहीं आई। हाँ, यू कैन से आप कह सकते हो कि और किसी कंपनी की नहीं आई, बिकॉज बीच में जो बकेट मतलब बीच के अंदर जो कैप्टन सीट्स हैं, मतलब वो बहुत ही लुक को एनहांस करते हैं, बहुत ईज देते हैं कस्टमर को, सीटिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब इवन बूट स्पेस बहुत अच्छा है, लोग काफ़ी पसंद करेंगे ये गाड़ी। अच्छा सर, इसकी शोरूम कीमत लगभग कितनी होगी? लगभग एक शोरूम कीमत जो इसकी जेटा मॉडल की है, जेटा मॉडल से शुरू है, वो 9.79 लाख की है एक शोरूम, बाकी जो और चीज़ें होंगी वो उसमें ऐड ऑन होंगे। पहले मैं आपका नाम पूछूंगा। मेरा नाम मोहित प्रभाकर है जी। मोहित जी, जैसे हम आज यहाँ पे नेक्सा के शोरूम में खड़े सेक्टर 9 द्वारका के जी, और अभी एक गाड़ी की ओपनिंग यहाँ पे की गई, तो इसमें थोड़ी फैसिलिटी बताएंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी? सर देखिए, मारुति सुजुकी ने ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है। इसका नाम है XL6। XL6 मीन्स एक्स्ट्रा लग्जरी, और ये सिक्स सीटर कार है, MPV सेगमेंट में आती है, तो इस वजह से इसका नाम है XL6। अब इसकी मैं अगर स्पेशल फीचर्स की बात करूं, तो फर्स्ट टाइम इसके अंदर LED क्वाड हेडलैम्प्स आई हैं इसके अंदर, और इसके अंदर LED फॉग लैम्प्स हैं जो इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में अभी तक प्रोवाइड नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अंदर से अगर आप देखेंगे तो लग्जरी फीचर्स के साथ है, जैसे कि ये कैप्टन सिक्स सीट्स के साथ आती है, इसकी जो मिडल रो है उसके अंदर भी आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगी जो कि ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके बाद इसके जो अंदर फीचर्स हैं, जैसे कि इसका जो इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है, जो वॉइस कमांड फैसिलिटी है इसके अंदर, वो सब इसके अंदर अवेलेबल है जो कि नेक्स्ट जन फीचर्स के अंदर आती है। उसके बाद इसका जो डिज़ाइन, स्पोर्ट्स क्लैडिंग, जो इसके अंदर रूफ रेल्स दी गई हैं, वो इसको बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट बनाती हैं अपने सेगमेंट के अंदर, तो इस तरह की अभी तक किसी और कंपनी ने ये गाड़ी लॉन्च नहीं करी है। अच्छा सर, जैसे इस गाड़ी की हम बात करें, अगर इसका शोरूम कीमत की बात करें, क्या आम जनता के बजट का इसका बजट? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इस सेगमेंट की बात करेंगे तो अभी जो इसका एक्शोरूम प्राइस आया है, जिसमें दो मॉडल्स आए हैं जेटा और अल्फा, तो 9.80 से स्टार्ट है, जो कि 11,30,000 तक इसका टॉप एंड का मैनुअल का प्राइस जाता है। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूँ जिनकी फैमिली बड़ी है, जैसे कि 6 फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि बाहर जाना पसंद करते हैं, तो उनके हिसाब से गाड़ी का प्राइस बिल्कुल अनुकूल है, यानी कि लंबे रूट के लिए अच्छी। एग्जैक्टली, लंबे रूट के लिए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है विद सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि अच्छी माइलेज देगा आपको सिटी में एज वेल एज ऑन हाईवे कंडीशंस आल्सो। लगता है मंदी के इस दौर में XL6 गाड़ी नई ऊंचाई पाने में सफल होगी। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।